दोस्तों आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ Realme C53 जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है और वहीं पर Narzo N53। ये दोनों Realme के ही ब्रांड हैं। इन दोनों फ़ोन का आज मैं कंपेरिजन करके बताऊंगा कि इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेस्ट है और कौन सा फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है। तो चलिए फिर इन दोनों बॉक्स को ओपन करते हैं। दोस्तों वैसे इन दोनों फ़ोन का जो प्राइस है वो बता दूं आपको, Realme C53 का जो प्राइस है दोस्तों वो है 10,000 रुपये, जो कि 4GB 128GB का रैम रोम में आता है। और दोस्तों Narzo N53 का जो प्राइस है वो है 6GB 128GB, भी आपको 11,000 रुपये पड़ेगा ये फ़ोन। दोनों फ़ोन के प्राइस में आपको पूरे 1,000 रुपये का गैप देखने को मिलता है। बात करते हैं दोस्तों इस फ़ोन के एसेसरीज़ की, तो इन दोनों फ़ोन में आपको ट्रांसपेरेंट कवर देखने को मिलता है जो कि ग्रे कलर में है, और आपको Realme C53 में देखने को मिलता है 18 वाट का अडाप्टर और टाइप सी पोर्ट का आपको इसमें केबल देखने को मिलता है। वहीं पर दोस्तों Narzo N53 पे आपको देखने को मिलता है 33 वाट का वूक चार्जर जो काफ़ी अच्छी है, और इसमें भी आपको टाइप सी पोर्ट का केबल देखने को मिलता है। तो इन दोनों फ़ोन में से Narzo N53 का जो चार्जर कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि इन दोनों फ़ोन में कवर चढ़ाने के बाद ये दोनों फ़ोन किस प्रकार से दिखता है और इन दोनों फ़ोन का जो कवर है वो इसको प्रोटेक्ट करता है या नहीं। कि ये दोनों फ़ोन का जो कवर है वो बिल्कुल एक समान जैसा ही देखने को मिलता है। दोनों में हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। इन दोनों फ़ोन का कलर भी सेम है। इन दोनों फ़ोन के कवर का जो प्रोटेक्शन है वो भी एक समान देखने को मिलता है। बात करें इन दोनों फ़ोन की बॉडी की, तो फिर इसमें दोनों में हमें एक जैसी ही बॉडी देखने को मिलती है। 93 में आपको एक सिंपल सा पैनल देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि पीछे में आपको प्लास्टिक के पैनल देखने को मिलती है, लेकिन इसका कैमरा वाला जो एंगल है दोस्तों इसमें इस साइड में आपको कुछ अलग सा देखने को मिलता है। और वहीं पर Narzo के फ़ोन में देखें तो फिर इसमें आपको ऊपर से नीचे आपको एक ही पैनल में देखने को मिलता है, और जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है और काफ़ी अच्छा क्वालिटी में देखने को मिलता है। अगर इन दोनों फ़ोन को कंपेयर करें तो फिर इसमें Narzo का जो फ़ोन है वो ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। बात करें इन दोनों फ़ोन की डिज़ाइन की, तो फिर इन दोनों फ़ोन में आपको डुअल कैमरा देखने को मिलता है। रियर में दोनों की जो बॉडी है वो प्लास्टिक की है। दोनों फ़ोन में आपको साइड फिंगर देखने को मिलता है, और दोनों फ़ोन में दोस्तों आपको वॉल्यूम अप डाउन बटन जस्ट ऊपर में देखने को मिल जाता है। नीचे अगर हम देखें तो फिर नीचे में हमें स्पीकर चार्जिंग स्विच 3.5mm जैक देखने को मिल जाता है। दोनों फ़ोन में दोस्तों साइड पर हमें सिम इजेक्टर ट्रे देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों इन दोनों फ़ोन को अब ओपन करके देखते हैं किसके अंदर में हमें और क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये दोनों फ़ोन ओपन हो चुके हैं, और दोनों ही फ़ोन में हमें काफ़ी सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप देखने को मिलते हैं। इन सब यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। और दोनों फ़ोन का अगर डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो फिर दोनों फ़ोन में हमें 90Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है। और दोस्तों दोनों फ़ोन में हमें 6.74 इंच का HD LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि दोनों में एक समान है। दोनों में हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों बात करूँ इन दोनों फ़ोन के फीचर्स की, तो फिर इन दोनों फ़ोन में काफ़ी सारे फीचर्स सिमिलर देखने को मिलते हैं, और काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बात करूँ 53 की, तो फिर इसमें आपको एंड्रॉयड वर्जन 13 का अपडेट देखने को मिलता है। वहीं पर Narzo के फ़ोन में भी आपको एंड्रॉयड वर्जन 13 का अपडेट देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों इन दोनों फ़ोन का जो रैम है उसमें काफ़ी फ़र्क देखने को मिल जाता है। आपको N53 में 4GB का रैम देखने को मिलता है, जबकि 128GB की आपको इसमें मेमोरी मिल जाती है। वहीं पर दोस्तों आपको Narzo N53 में 6GB का रैम और 128GB की मेमोरी मिलती है। यहाँ पर एक्सटेंडेड रैम की अगर बात करें तो फिर 53 पे आपको देखने को मिलता है 4GB तक एक्सटेंडेड रैम। वहीं पर दोस्तों आपको Narzo N53 में देखने को मिलता है 6GB तक एक्सटेंडेड रैम। तो वैसे इन दोनों फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो ऑक्टा कोर का है। दोस्तों वैसे इन दोनों फ़ोन में आपको एक समान बैटरी एमएच देखने को मिलता है। दोनों में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, लेकिन दोस्तों इन दोनों फ़ोन को चार्ज करने के लिए चार्जर जो है वो उसमें आपको अलग अलग आउटपुट देखने को मिलता है। 53 में आपको 18 वाट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। वहीं पर दोस्तों Narzo N53 में आपको 33 वाट का सुपर फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, यानी कि अगर इन दोनों फ़ोन को एक साथ चार्ज करते हैं तो फिर Narzo का जो फ़ोन है वो जल्दी से चार्ज होगा और काफ़ी फास्ट चार्ज होगा। दोस्तों इन दोनों फ़ोन की डिज़ाइन की अगर बात करें तो फिर यहाँ पर Narzo N53 काफ़ी अच्छा और काफ़ी कूल देखने को मिलता है, और काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी के साथ यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर Narzo लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो शेप है दोस्तों वो बिल्कुल ही 53 जैसे देखने को मिलता है। सिर्फ इसका पैनल यहाँ पर चेंज हुआ है।
मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली इसका जो पैनल है वो काफ़ी अच्छा लगा। बात करें दोनों फ़ोन के कैमरे की तो फिर यहाँ पर 53 का कैमरा देखते हैं पहले। इसमें दोस्तों आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, सेकंड कैमरा जो है वो 2 मेगापिक्सल का है, यहाँ पर आपको फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। फ्रंट की अगर बात करें तो फिर फ्रंट में आपको इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है जो कि वाटर ड्रॉप की स्क्रीन में आता है। वहीं पर दोस्तों बात करें नार्जो N53 की तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, सेकंड कैमरा जो है वो 2 मेगापिक्सल का है, यहाँ पर भी आपको फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो फिर फ्रंट कैमरा इसमें भी वाटर ड्रॉप की स्क्रीन देखने को मिलता है जो कि 8 मेगापिक्सल का है। तो दोस्तों देखते हैं इन दोनों फ़ोन में फोटोग्राफी करके कि इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन का जो फोटो है वो ज़्यादा अच्छा आ रहा है। इन दोनों फ़ोन में आपको कैमरा का मेगापिक्सल अलग अलग देखने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन इन दोनों फ़ोन में जो फोटोज़ आती है वो एक समान आती है, दोनों में हमें कोई भी डिफरेंट देखने को नहीं मिलता। मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए इसमें, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। इसका कैमरे के मामले में दोनों ही फ़ोन बराबर है, दोनों फ़ोन में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों फ़ोन का जो रियर कैमरा है वो बिल्कुल सेम है, इसका जो फ्रंट कैमरा है वो बिल्कुल एक समान है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो वैसे आप इन दोनों फ़ोन में 1080 के रिजोल्यूशन पे वीडियो बना सकते हो और इन दोनों फ़ोन का जो वीडियो क्वालिटी है दोस्तों वो दोनों का सेम ही है। दोनों ही फ़ोन में आपको 90 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है, दोनों में आपको डिफरेंट कोई भी देखने को नहीं मिलता है इसके जो वीडियो के मामले में है। और दोनों फ़ोन में दोस्तों आपको वीडियो और फोटोज़ लगभग सेम देखने को मिलता है, इनमें चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। ओवरऑल अगर बात करूँगी इनके कैमरे की तो फिर इसका कैमरा जो है दोस्तों वो एवरेज है, लेकिन यहाँ पर नार्जो का जो कैमरा है वो उसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, जबकि 53 का जो कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का है। लेकिन दोस्तों इसका जो कैमरा है वो डिफरेंट दिया गया है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं है, दोनों का जो फोटोज़ है वो समथिंग एक समान है, दोनों में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता, कोई भी डिफरेंट नहीं है। दोस्तों वैसे इन दोनों फ़ोन की डिज़ाइन की बात करें तो फिर दोनों फ़ोन का डिज़ाइन जो है वो एक समान है, दोनों फ़ोन में वैसे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं डिज़ाइन के मामले में, लेकिन इसके जो पीछे का पैनल है दोस्तों उसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। नार्जो N53 में काफ़ी कूलनेस आपको देखने को मिलती है, वहीं पर दोस्तों C53 में आपको देखने को मिलता है एक नॉर्मल लुक्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। दोनों फ़ोन में आपको काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलता है इसके पीछे के पैनल को लेकर के। दोस्तों वैसे दोनों फ़ोन में वैल्यू फॉर मनी वाली फ़ोन की अगर बात करें तो फिर मेरी ओपिनियन रहेगी कि नार्जो N53 सही रहेगा, क्योंकि इसमें आपको 6GB 128GB का रैम देखने को मिल जाता है, 33W का आपको इसमें चार्जिंग देखने को मिल जाता है। और दोस्तों दोनों का जो कैमरा है वो तो डिफरेंट है, इसमें 50 मेगापिक्सल आपको मेन कैमरा देखने को मिलता है, इसमें आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इन दोनों फ़ोन का जो फोटोज़ है वीडियो है वो समथिंग एक समान है, तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि आपको नार्जो N53 को बाई करें, क्योंकि ये फ़ोन बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है और इसका जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा है। आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगा मुझे कमेंट पर जरूर बताइएगा।